मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भी भूमि की रजिस्ट्री हुई है तो नामांतरण करना पटवारी की जिम्मेदारी है। यदि नामांतरण में देरी होती है तो पटवारी के साथ साथ कलेक्टर पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित में चलने वाली योजनाओं को भी बिना विलंब के जनता तक पहुंचाना कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र तोमर की तारीफ में कहा कि नरेंद्र तोमर एक व्यक्ति नहीं संस्था है, अनुभव की पूंजी उनके पास है, वो बहुत गंभीर और विराट व्यक्ति की धनी है। सच कहूं तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो अजात शत्रु है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सदैव उनकी कार्यशैली से प्रभावित रहा है। नए साल में यदि आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश चले आइए, यहाँ आपको गोवा का एहसास होगा। वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने और टेंट सिटी में रात बिताने के लिए इन दिनों मध्य प्रदेश का हनुवंतिया बेस्ट लोकेशन है। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित हनुवंतिया में प्रकृति का एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। विपक्ष के पीएम पद की पेशकश पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन का हर सदस्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, किसी के प्रस्ताव करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि वे इंडिया गठबंधन की बैठक के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आरएसएस के बयान ने एनडीए घटक दलों को मुश्किल में डाल दिया। योगी कैबिनेट में शामिल मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। आरएसएस के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे ने मंगलवार को जाति आधारित जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से समाज का अहित होगा। अयोध्या के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में राम भक्तों को अयोध्या आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए, नहीं तो समारोह में उनकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1K21 मामले की पुष्टि हुई है। न्यूज एजेंसी PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि JN1 के नए मामलों में से 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल और महाराष्ट्र में एक एक मामला सामने आया। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया शहर बसाने की मंजूरी दे दी है। ये शहर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से मुंबई से जुड़ा होगा। तीसरी मुंबई के रूप में उभर रहे पनवेल उरण तालुका के 23 गांवों में सिडको 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कें बनाने जा रही है। नाना क्षेत्र के इन 23 गांवों के तीव्र विकास के लिए सिडको ने निर्णय लिया। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर निकाला जाएगा। पैन इंडिया एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार का क्रेज देखने लायक है। फिल्म 22 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और रिलीज से एक हफ्ते पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म धांसु कलेक्शन कर रही है। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। बैडमिंटन के दो खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न के लिए चुना गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को यह बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। वहीं मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा।